Hello guys, welcome back in ManVeer Zone. This is ManVeer. Today we are going to react on Dogs by Aakash Gupta. Aakash Gupta. Stand-up comedy. You have given a lot of suggestions that this video ko react karo. So definitely. And I really want to say that Aakash Gupta mujhe bahut pasand hai stand-up comedy mein. Aur mujhe uski ek relationship hai, clubbing hai. और हनीमून है, ट्रेन जर्नी है, मेट्रो है, खींच के ले रही मामले को। आकाश गुप्ता की वीडियो से बहुत एंजॉय करती हूँ। पता नहीं ये कैसे मिस हो गई डॉग्स वाली। और वीर ने मुझे भी बोला था, मेरे को याद नहीं है डॉग्स की भी बोली वीडियो। हाँ, सो लेट्स चेक इट आउट। इस वीडियो में क्या कुछ है ये भाई, क्या डिस्क्लेमर है भाई साहब। डॉग्स मेरी ना लाइफ में बहुत चीजों से फटती है, जिसमें से एक है कुत्ते। कुत्तों से बहुत डर लगता है मुझे, पर मुझे ना कुत्तों से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारी बनने नहीं वाली। तो तू अपने स्पेस में रह, मैं अपने स्पेस में रहता हूँ। ये प्रॉब्लम है कुत्ते पालने वाले लोगों से, क्योंकि ये मानना ही नहीं चाहते कि किसी इंसान को कुत्ते से भी डर लग सकता है। ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते यार, क्योंकि ये जब कुत्ता पालते हैं इनका तो उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है ना। ये हमारे घर का हिस्सा है, खबरदार इसे कुत्ता बुलाए, मेरे जिगर का टुकड़ा है। हमारे तीन बच्चे हैं, राहुल, अक्षय, शैम्पू। ये नाम अच्छा था। मैं ठीक है, आपका बच्चा, आप खुश रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम होती है जब ये मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं इनके रिश्ते को समझूं और शैम्पू के परिवार का हिस्सा भी बन जाऊं, जो मैं नहीं बनना चाहता। मेरी मासी है, उनके पास है ये शैम्पू। तो मैं जब भी उनके घर जाता हूँ ना, वो कुत्ते को मेरा कजन बताते हैं। मैं अंदर घुस रहा हूँ और कुत्ते से अजीब तरीके से बातें कर रही है। शैम्पू, आकाश भैया आए हैं आपके ब्रदर। हेलो, बोलो भैया को शैम्पू। Shampoo, mama getting angry. Shampoo. और शैम्पू वहां बैठा हुआ कह रहा है, मैं कुतिया हूँ, चूतिया नहीं। ये सब करने की जरूरत नहीं थी। नॉर्मली बात करो, बाकी बेटों के साथ कर रहे हो आप ये सब। ये यार वो प्यार में अंधी है उसके यार। उस दिन कहती, शैम्पू जाओ आकाश भैया को घुमा लो। ये घर दिखा दो। और मैं इस पे भी जज नहीं करता उन्हें यार, पर एक लेवल पे इनका प्यार इतना अंधा हो जाता है कि ये अपने कुत्ते की कोई गलती ही नहीं मान सकते। ये एकदम ही डिनाइल में चले जाते हैं। आप कभी भी इनको जाके बोल दो कि आपका कुत्ता मुझे तंग किया। कौन, हमारा कुत्ता? हमारा कुत्ता, हमारा डॉगी किसी को कुछ नहीं कहते। मुझे तो लगता है तुमने ही कुछ किया। और जो चिकन उसे डाल रहे हो पहले खुद खाओ, आपको ज्यादा जरूरत है। फिर मुझे ब्लेम करिए, तुम डरा रहे हो उसे। तुम खड़े रहो, कुछ नहीं, तुम खड़े रहो, कुछ नहीं, कुछ तुम डरा रहे हो बेटे, तुम डरा रहे हो बेटे। मैं कहा, मैं डरा रहा हूँ? मेरा घुटना उसके मुंह में, आंटी मेरी निकर फाड़ दी उसने, और वो मैं जींस के अंदर पहन के आया था। आप मुझे बताइए मैं कब डर सकता हूँ? लोग मानने नहीं चाहते कि कुत्तों से डरना एक लेजिट डर है यार। और आप देखो मार्केट में बाकी फोबियास को कितनी इज्जत मिल रही है। फोबियास कोई एक पार्टी में बोल दे, एक्चुअली मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है। ओह रियली, यू नो व्हाट, लेट्स टेक द स्टेयर्स। लिफ्ट में आपको थोड़ा फील होगा। और हमने उबर बुला लिया, हम अंदर बैठेंगे, तुम्हें कैरियर पे बांधेंगे। खुले खुले जाओ ना, आपका वॉशरूम भी बहुत छोटा था, हॉल में मुद्दो मेरे। क्या प्रॉब्लम है, मुद्दो। और यही मैं किसी को जाके बोल दूं कि यार मुझे भी है कुत्ता फोबिया। कुत्ता फोबिया, सिंपथी, इज्जत छोड़ो, लोग जज करते हैं यार। आकाश, हाउ इनसेंसिटिव, हाउ कैन यू नॉट लाइक डॉग्स। मैं कहा, इसका आंसर मेरे पिछवाड़े पे है। काफी लंबा आंसर, 8 मार्क्स का विद डायग्राम। मैं आंटी, इतना गहरा आंसर था कि आज की डेट में मेरे 2 assholes हैं। देखना चाहेंगे आप आंसर हैं?
तो इस पे कमबैक होता है तो क्या हुआ, काटा ही तो है, तो इससे ज्यादा क्या हो सकता है, इसके आगे भी कुछ हो जाए क्या? क्या बेटे आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो? अच्छा हमारा कुत्ता हमें 7 बार काट चुका है, सुना है तो रखा क्या हुआ है? वफादार वो है कि तुम हो? ये कैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में जी रहे हो? जस्ट ग्रो अप एंड मूव ऑन, जाओ सड़क पे और कुत्तों से मिलो। तो इसलिए मैंने रियलाइज किया मैं इनसे आर्ग्यूमेंट नहीं जीत सकता, तो मैं ऐसी जगहों पे नहीं जाता जहाँ कुत्ते होते हैं, क्योंकि मुझे भी पसंद नहीं यार कोई मेरे लिए अपने कुत्ते को बांध दे या उसको रूम में बंद कर दे। पर फिर यही लोग इंसिस्ट करते हैं मुझे कि अरे काम ना, मेरी माँ से हमेशा अरे काम, ही विल डू नथिंग, ट्रस्ट मी, ही विल डू नथिंग, ट्रस्ट मी। तो मैं उनके ट्रस्ट पे चला जाता हूँ, मुझे लगता है नथिंग होगा, मैं दरवाजा खोलता हूँ, घुसी जा रहा मेरे अंदर, और अगर खड़े रहो कुछ नहीं होगा, गिव इट सम टाइम, खड़े रहो, वो उसे नहीं रोक रही, वो मुझे पकड़ रही है, ये कैसा अब्यूज हो रहा है मेरे साथ? मैं तुम्हारे घर घुस के तुम्हारा कुत्ता जबरदस्ती चाटने लग जाऊं, तो तुम मुझे रोकोगे ना, या तुम उसे पकड़ लोगे? शैम्पू बैठे रहे हो, काश भैया चाट रहे हैं, भैया को चाटने दो, शैम्पा शैम्पा। वो पकड़े खड़ी है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, प्यार है इसका। मैं कहा माँ से मेरी छाती छील दिया उसने, ये कैसा वाइल्ड लवर है शैम्पू। सीरियसली और प्यार प्यार लोग बोलते हैं, मैं उनको I'm telling यार मत करो यार, YouTube पे लोगों लगता है हमने पैसे लेके बिठाया तुम्हें, जो ये वीडियो देख रहे हैं सच में हंस रही है। I know, मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, मैंने प्लांट नहीं किया है इसको, एक कैमरा इनके मुंह पे मारे प्लीज। सीरियसली देखना मुझे यार, देखना और प्यार प्यार लोग बोलते हैं, मैं मासी प्यार आपके लिए क्योंकि वो आपका कुत्ता है, मुझे तो डर लगता है ना यार, ऐसा तो आप मेरे घर आओ, मैंने अजगर पाल के रखा हुआ है, नहीं मैं भी खुला छोड़ दूंगा, जा मासी पे बैठे। अरे क्या हुआ मासी, डंकी तो मार रहा है, प्यार है, घोट घोट, अच्छे से घोट मासी को, सुन कर देंगे प्यार से मासी की गर्दन आज, अजगू दे देंगे मासी को, यहाँ क्या वो मासी थोड़ा जहरी तो है, बाद में शैम्पू चूस लेगा। सो दोस्त यार, सर गोरे मेरे। हाँ यार, यार शैम्पू मैं नहीं हूँ शैम्पू, तुम होगी शैम्पू। एक्चुअली यार डॉग्स, मतलब मेरे को डॉग्स पसंद नहीं ऐसे ना, मतलब हाँ आई नो यार, मतलब शी ऑलवेज सेइंग कि मुझे ये पैट पसंद, वो मतलब मुझे कोई भी पैट पसंद नहीं है ना। मैंने छोटे छोटे मतलब वाइट माउस रखे थे घर में, माउस हाँ, रैट वाली बात है, रैबिट वाली बात है, थे, माउस थे, माउस वाली बात, छोटे छोटे माउस थे, बहुत मतलब क्यूट थे वो दोनों, प्योर मतलब वाइट है वो, होते हैं जो ओरिजिनली टेल रेड होती है। घर आया मेरे, मैं तेरे घर नहीं आऊंगा, मैं तेरे घर नहीं आऊंगा, मुझे बहुत डर, नहीं मतलब अच्छा नहीं था, गिलगिली से होते हैं। मैं बहुत प्यार से उन्हें खा कर लाई और मैंने वीर के वो हाथ पे रख दी थी सी, और इसने ऐसे छोड़ दिया, मतलब नन्ही सी जान इसने ऐसे छोड़ दिया। अरे छोड़ नहीं दिया था, मतलब पकड़ लिया था इसने, बहुत डिस्टेंस था, वहां से नीचे फेंक दिया था, नहीं फेंका नहीं था, पकड़ लिया था, ठीक है याद करो, या मेरे ब्रदर नहीं आएगा इसको, हाँ तो मतलब मैंने बोला छोड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो, नहीं पसंद है, नहीं पसंद तुम नहीं है तो मैं क्या बोलूं, मतलब नहीं काटेंगे, मतलब अच्छा लगेगा। खुद बोलता है कि तेरा बस चले तो तू घर को ज़ू बना देगी, बट बहुत पसंद है, आई लव, आई जस्ट लव पेट्स। हाँ इसे लगता है कि प्यार पेट्स में होता है आदमियों से ज्यादा। है ना, मुझे पता है, आई नो यू वेरी वेल, मैं भी सौरव जोशी बनता जा रहा हूँ। या हमारा एक फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, उसे भी बड़े पसंद है, उसे बड़े बड़े डॉग्स पसंद है, बड़े बड़े डॉग्स, मतलब कहता है डॉग्स लेकर आओ, कैट्स वो कैट ही पालता है, मतलब ठीक है यार अच्छी बात है, लेकिन फिर जब वो एक्चुअल में जो सारी बातें बोली ना मेरे साथ हुई हैं, कि नहीं कोई कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, जैसे है ना मैं तो जैसे कभी
बचपन में दूध लेने गया था स्टार्टिंग मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ डॉग्स के साथ गया था। मेरे घर के बाहर वो कुत्ता मम्मी ने रोटी डाली खाना खा रहा था मतलब वो रोटी खा रहा था अपनी तो मैंने उसे लात मार दी पता नहीं क्यों छोटू था ना मैं 3 साल का था मुझे क्या समझती वो तो उसने मुझे काट लिया काटा नहीं था वो मतलब हमारा एक तरीके से मम्मी खाना देती थी वो रोज आता था खाना खा कर जाता था पालतू तो नहीं वो घर के बाहर रहता था ना पालतू था हाँ तो आ जाता तो उसने काटा नहीं उसने सिर्फ दांत लगाए थे काटा तो नहीं था बट उस दिन के बाद मेरे को एक फोबिया हो गया तो उनको देखता कभी भी मैं कई बार ना इंजॉय कर रहा हूँ अपने आप में कई बार एक बार है ना जैसे फिर मेरे पापा ने मेरे को एक दिन स्टोरी सुनाई कहते एक है ना एक बड़ा लंबा तगड़ा बहुत बहुत बढ़िया वाला बंदा खड़ा था वहाँ पर चौराहे पर तो वो कहते क्यों खड़ा है तो नहीं पहले उस एक आदमी आया तो उसने आदमी ने पूछा कि आप क्यों खड़े हैं आपका नाम क्या है कहता शेर सिंह तो वो उसको कहता अच्छा आपके पिताजी का नाम कहता शमशेर सिंह ना दादा का नाम बब्बर सिंह वाह वाह वा, पूरे शेर हो गया ना यहाँ क्यों खड़ा है ना कुत्ता है तो मुझे वो चीज सोच के मैं हमेशा अपने अब तो नहीं इतना लगता बचपन में मैं ऐसा सोच रहा था मैं नहीं मैं शेर हूँ मैं वो वाला शेर नहीं हूँ जो डरता हूँ बट हाँ कभी भी मैं आंखों में आंखें नहीं डालता हूँ कुत्तों की आज भी स्टिल नहीं डालता हूँ मैं साइड से निकल जाता हूँ किसी घर कुत्ता हो तो मैं बोलता हूँ पहले बांध लो अपने इसको मुझे सेम चीज लगी चाट रहा है क्यों चाट रहा है जब रैबिट में आज भी बहुत याद करती हूँ मेरे रैबिट चले गए थे तो मुझे बहुत ज्यादा फीवर में थी मैं काफी ज्यादा मेरी तबीयत खराब हो गई थी मैं बहुत 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 पसंद करती हूँ बहुत ज्यादा कोई बात नहीं दोस्तों सबको मैं आई रिस्पेक्ट ये सब जिसको पसंद है अच्छी बात है जो इसने बोली ना सच में मेरे दिल की बात थी थैंक्स आपने सबने सजेस्ट किया है सीरियसली अमेजिंग वीडियो अमेजिंग एंड अमेजिंग है कूदना है हाँ दोस्त शैम्पू चाटो इसको एक शैम्पू की जरूरत है गाइस अरे हाँ मैंने बताया नहीं एक्चुअली वो रैबिट जो मुझे गिफ्ट किए थे वो हाँ, मैं उठा के लाया था वो सौरव लेकर आया था मेरा हाँ, पेट मतलब मुझे सोचो इनको पेट पसंद नहीं है बट पेट इन्होंने ही मुझे गिफ्ट हाँ, भाई सब जिसे पसंद उसे दिए दोस्त यार कोई बात नहीं कॉल वॉल आती रहती है साइलेंट करके बिल्कुल नहीं बैठती लड़की अब इसका दिल कर रहा उठकर चली जाऊं बट उठकर चली मत जाइयो सो दोस्तों यार आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए इफ यू न्यू सो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू कमेंट आल्सो इंक्लूडिंग योर सजेशन राइट दोस्तों कमेंट सजेस्ट सब कुछ करते रहिए और कॉल बज रही है तो उसे अवॉइड कीजिए सो टिल देन अरे कट गया चलो अच्छी बात है नहीं दोबारा कॉल आएगा डेफिनेटली साइलेंट मोड अभी ऐसे नहीं हुआ सो दोस्तों टिल देन बाय बाय टेक केयर सेल्फ उसे फोन उठाना है हेवी नो यू वी कैन डिस्कस नहीं अब चलो कोई बात नहीं डॉग्स के बारे में बात कर रही थी कि वो जो रैबिट अरे दोबारा फोन आ जाएगा फिर अच्छा नहीं लगा तुम्हें वो जो रैबिट थे वो मुझे वीर ने ही मेरे बर्थडे पे गिफ्ट किया था मुझे लगा कि कपल ना छोटे थे एक्चुअली मैंने गलत किया वो छोटे बड़े लेने चाहिए थे फिर मैंने मुझे शॉपकीपर ने बोला कि वो छोटे लोगे तो उसके साथ घुल मिल जाएंगे बट वो बड़े मेरे को लगा बड़े दे देने चाहिए एनीवेज सो टिल देन बाय बाय टेक केयर साइनिंग आउट